अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबको मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मुल्तान के मशहूर मालपुरा की रेसिपी। जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत सॉफ्ट बने हैं, आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके लिए मैंने मैदा लिया है तकरीबन एक पाव, इसे हमने अच्छे से छान के रख दिया है। एक पाव मैदा है और चीनी हमने लिए है एक पाव से कम, यानी इसका आधा लिया है हमने। पानी हम यूज़ करेंगे तकरीबन एक कप, मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे एक चुटकी, और इलायची के बीज मैंने निकाल ली हैं। इस तरीके से आप चाहे तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल गर्म रखना है। अब एक बाउल लेंगे, सबसे पहले हम अपना मैदा जो हमने लिया है एक पाव, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम चीनी शामिल कर देंगे, आप चाहें तो पीसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से इस तरीके से। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आए कि रेसिपी कैसी बनाई गई है। पानी है इतना गर्म नहीं है, मैंने नॉर्मल पानी आपको कहा है। आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते रहेंगे। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है वो हमारी अच्छे से घुल जाए। ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तकरीबन पानी को हमने 2 मिनट गर्म किया है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट। साथ साथ पानी शामिल करते रहेंगे इसके, हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। इस तरीके की फॉर्म में ये आ चुका है। अब हम इसे मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट होती रहे, पानी बाकी बाद में शामिल करेंगे। तकरीबन एक कप पानी मैंने यूज़ किया है, तकरीबन एक कप, ध्यान कीजिएगा, एक पाव में एक कप। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से इस तरीके से। चीनी भी तकरीबन हमारी इसमें अच्छे से घुल चुकी है। इस तरह से मैं मुसलसल इसे मिक्स करती रहूँगी, ये एक थिक बैटर बन जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन फौरी आपको मिल सके। जैसे आप देख रहे हैं इसकी कंटेंट से कैसे बन रही है। इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे हम इसे। आप इसका बैटर चेक कर लें मैंने किस तरह से रखा है। मज़ीद पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। अभी इलायची के जो बीज मैंने निकाल लिए थे वो शामिल कर देंगे हम इसमें। मीठा सोडा सिर्फ एक चुटकी डालना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमेशा बैटर बनाने के बाद मीठा सोडा का इस्तेमाल कीजिएगा। अब बैटर देख लें हमने किस तरीके से रखा है। कढ़ाई में ऑयल लेंगे, तकरीबन 2 कप ऑयल शामिल कर देंगे हम इसमें इस तरीके से। ऑयल को हम गर्म करने के लिए रख देंगे। बैटर हमारा रेडी है, आप देख लें। इस तरह का हम एक पोना लेंगे, इसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आप साइज अपने मुताबिक रख लीजिएगा। इस तरीके से एक ही तापे इसके ऊपर डालना है इस तरीके से। ये इतने ज़बरदस्त बनेंगे, आपको बाज़ार से मन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, स्लो नहीं रखनी, ना ही हाई रखनी है। जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं चिपक रहे। साइज का कलर चेक कर लेंगे हम एक बार नीचे से। हलवा पूरी के साथ ये भी बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, तो मैंने सोचा आपको ये घर पे बनाना सिखाएं। इस तरीके से अब इसे पलट लेंगे, थोड़ा शौक होने के लिए दोबारा रख देंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं इसे मैं पलटूंगी, आप इसका कलर चेक कर लें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आया है। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता हम इसे हिलाते रहेंगे
ताकि ये गोल्डन हो जाए अच्छे से, अंदर से कच्चे भी ना रहें। फ्लेम मीडियम रखनी है आपने। रेसिपी को पूरा देखा करें, कोई भी स्टेप मिस ना किया करें इस तरीके से। ये इतने सॉफ्ट हैं हद से ज़्यादा। आप इसका कलर चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा ट्राई कीजिए करें कि रेसिपीज़ जो भी होती हैं घर पे बनाया करें, बाज़ार की नस्बत सही रहती है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, अब हम दोबारा और बना लेंगे इस तरीके से। आप साइज़ कोई भी रख सकते हैं, छोटा बड़ा वो आप पे है। इस तरीके से एक ही तापे डालना है ये सब कुछ। जैसे आप देख रहे हैं ये फूल भी रहे हैं, इसे हल्का हल्का घुमाते रहें ताकि ये जले भी ना। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही बच्चे बड़ों सबको पसंद होते हैं ये, ज़रूर बनाइएगा। नाश्ते में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये। अब हम इन्हें पलट लेंगे। माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह से। तकरीबन मालपूरा बनाने में, तकरीबन एक मालपूरा बनाने पे तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। जैसे देख रहे हैं ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से छन्नी में रखेंगे सबको ताकि जो इनमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। इस तरह से हम सारे मालपूरा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हौसला अफजाई हो जाती है हमारी भी। प्लीज़ हमें भी अच्छा लगता है ताकि हम आपके लिए और मज़ीद वीडियो लाएं, इस तरीके से हमारा भी जो हिम्मत है वो भी बनी रहती है। बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इन्हें पलट लेंगे। आप इनका कलर चेक कर लें माशाल्लाह से, मैं तो हमेशा ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं सब चीज़ें घर पे ही बनाऊं। इस तरह से इसे प्रेस भी करते रहा करें। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी जो बच गई हैं सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हम आपको डिश आउट करना सिखाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने छन्नी में रखे थे, ऑयलिंग में जो भी था फालतू वो निकल चुका है। अब हम एक डिश लेंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे। मेहमान आए तो ज़रूर बनाएं, उन्हें बहुत पसंद आएंगे, आप मुझे भी याद करेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह से मालपूरा हमारे बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमारे लिए दुआ क्या करें, हमें दुआओं में याद रखा करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।